लद्दाख में चीन के साथ सटी भारतीय सीमा पर तनाव जारी। दोनों पक्षों ने सीमा पर जवानों की बढ़ाई संख्या। सीमा विवाद पर चीन की तरफ से मामले पर आया बयान, कहा स्थिर और नियंत्रण में भारतीय सीमा पर हालात। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता की पेशकश, कहा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता को तैयार, हमने दोनों को किया सूचित, वो चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता कराने के लिए तैयार। चीन और हांगकांग के बीच चल रहे मसले को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवाल पर ट्रंप ने कहा इसकी घोषणा आप कर सप्ताह के अंत तक सुनेंगे और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने कहा कि हांगकांग के प्रति चीन की कार्रवाइयों से राष्ट्रपति नाराज। नक्शा विवाद में पीछे हटा नेपाल, भारत के हिस्सों को नक्शे में दिखाने का प्रस्ताव वापस, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आई दरार के बीच एक कदम पीछे हटा नेपाल। नेपाल के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी दल ने आपसी सहमति से संविधान संशोधन विधेयक को संसद की कार्यसूची से हटाया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर मसले को सुलझाने का दिया था सुझाव। भारत के द्वारा द्विपक्षीय वार्ता का माहौल बनाने के लिए नेपाल ने अपनी तरफ से उठाया ये कदम, भारतीय विदेश मंत्रालय ने की नेपाल से बातचीत के लिए माहौल बनाने की मांग। नेपाल ने नए नक्शे के संसद को पेश करने नहीं, कूटनीतिक रूप से दिया परिपक्वता का उदाहरण। कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के पांचवें चरण का खाका तैयार, सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 के बारे में पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं मन की बात। लॉकडाउन 5.0 में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी शहरों में बढ़ाया जा सकता है छूट का दायरा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शहर शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर दो इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से की चर्चा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक से की चर्चा। चर्चा के दौरान कोरोना के वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने कहा अमेरिका, चीन और ऑक्सफर्ड के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पहला वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा, भारत के लिए 50 से 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। प्रोफेसर झा के मुताबिक कोरोना एक या डेढ़ साल की समस्या नहीं बल्कि 2021 में भी इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, हाई रिस्क वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत, हम बड़ी महामारियों के दौर में जा रहे हैं, कोरोना कोई आखिरी नहीं, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की शुरुआत हो रही है, ऐसे समय में जरूरत इस बात की है कि लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने भारत चीन सीमा विवाद पर दिया बयान, कहा लद्दाख में चीनी सेनाओं के द्वारा सीमा पार करने और भारतीय सेनाओं के साथ गतिरोध मामला चिंता का विषय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब भारत की सर्वोच्च बायोमेडिकल संस्था ने हाइड्रोक्लोसिक कोरिन के समर्थन में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा निगरानी और नियंत्रित तरीके से की गई स्टडीज में हाइड्रोक्लोसिक कोरिन के कोरोना मरीजों की कोई साइड इफेक्ट नहीं। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि इसकी वजह से सिर्फ बेचैनी, उल्टी और सीने में थोड़ा भारीपन रहता है, लेकिन इससे ज्यादा और भयावह साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। आईसीएमआर ने कहा कि हाइड्रोक्लोसिक कोरिन को कोरोना वायरस के मरीज और सामान्य लोग रोग निरोधक दवा के तौर पर ले सकते हैं, हम इस दवा का उपयोग प्रोफाइलेटिक यानी कि रोग निरोधी तौर पर कर सकते हैं, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं लेकिन फायदे जरूर होंगे। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 56 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 3 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, 24,30,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में बड़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, तो अब तक 4,337 लोगों ने गंवाई जान, तो वहीं 60,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने मई में ग्राहकों को दूसरी बार दिया बड़ा झटका, एक बार फिर से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट करवाने वालों को होगा नुकसान। एसबीआई ने सभी एफडी और की एफडी पर ब्याज दरों में की 0.40% की कटौती, नई दरें 27 मई से होंगी लागू, एक साल या दो साल से कम अवधि के फिक्स डिपॉजिट पर अब ग्राहकों को 5.10% का मिलेगा ब्याज, इससे पहले ग्राहकों को मिलता था 5.50% ब्याज।
तेजस विभाग स्क्वाड्रन वायुसेना में हुआ शामिल। एयरफोर्स चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भरी तेजस में उड़ान। स्क्वाड्रन का नाम दिया गया फ्लाइंग बुलेट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को HAL से खरीदा है। नवंबर 2016 में वायुसेना ने 50,025 करोड़ रुपए बेच 83 तेजस मार्क A1 की खरीदी को दी थी मंजूरी। इस डील पर अंतिम समझौता करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुआ, यानी पिछली कीमत से करीब 10,000 करोड़ रुपए कम। तेजस चौथी पीढ़ी का हल्का विमान है। इसकी तुलना अपने जनरेशन में सभी फाइटर जेट्स में सबसे हल्के विमान के तौर पर होती है। स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही वायुसेना को इस साल 36 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से मिले जा रहे हैं। इसी बीच तेजस के एक नए स्क्वाड्रन का शामिल होना भी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया COVID-19 मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन। CMR में VC के जरिए JNU हॉस्पिटल में किया उद्घाटन। डॉक्टर्स ने CM गहलोत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी लैब के बारे में जानकारी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जनता को मिलेगा फायदा। लैब के उद्घाटन के दौरान CM ने कहा COVID-19 ने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला दिया है। देश में आजादी के बाद पहली बार कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने महामारी की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए। प्रदेश में तेजी से टेस्टिंग सुविधा को बढ़ाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन। PCC कार्यालय में PCC अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प की अर्पित। कार्यकर्ताओं ने नेहरू के बताए मार्ग पर चलने की अपील। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पायलट ने कहा लॉकडाउन के बाद गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। ICC के निर्देश पर देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर केंद्र से करेंगे मांग। आयकर के दायरे में नहीं आने वाले लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की करेंगे मांग। तो वहीं मनरेगा को बताया ग्रामीण क्षेत्र में जीवन रक्षक योजना। जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने किया शिलान्यास। कहा योजना में 576 फ्लैट और मकान बनाए गए हैं, जिनके लिए 750 लोगों ने किया है आवेदन। देश के लिए 7 करोड़ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। अब व्हाट्सएप से होगी गैस की बुकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों की सुविधा के लिए की घोषणा। व्हाट्सएप LPG बुकिंग नंबर 1800224344 जारी किया। लू की चपेट में राजस्थान समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाके। राजस्थान में 50 और दिल्ली में 47.6 डिग्री पहुंचा तापमान। यूपी में 47 डिग्री और हरियाणा में 48 के पार पहुंचा पारा। IMG ने असम और मेघालय के लिए 28 मई तक बारिश का रेड अलर्ट किया। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स कोड किया पब्लिक। खामी ढूंढने पर मिलेगा इनाम। ऐप को लॉन्च करने के बाद से प्राइवेसी को लेकर उठने लगे सवाल। कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की आएगी गिरावट। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने लगाया अनुमान। कहा कोरोना वायरस की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन नीति लागू की गई से आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त गिरावट आई, जिसका सीधा असर GDP की वृद्धि दर पर। यूपी के CM शिवराज सिंह चौहान को लेकर MP के CM शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा बहान। कहा मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के बीच प्रवासी जा रहे हैं घर। प्रदेश में कोरोना रिकवरी की रेट को 53% के लगभग, जबकि देश में रिकवरी 41.8%। समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर CM चौहान की किसानों से चिंता नहीं करने की अपील। कहा खरीदा जाएगा किसानों का पूरा गेहूं। प्रदेश में 116,82,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद। 11,56,000 किसानों के खातों में 15,134 करोड़ रुपए का किया भुगतान। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के साथ मरीजों से पूछी कुशलक्षेम। इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने के दिए निर्देश। कहा मरीजों के इलाज में ना हो कोई दिक्कत। श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन जयपुर से पहुंची कन्नौज। ट्रेन में 425 श्रमिकों के आने की लिस्ट प्रशासन को करवाई थी उपलब्ध, जिसमें कन्नौज फरुखाबाद और हरदोई जिले के श्रमिक थे शामिल, लेकिन 425 के बजाय महज 160 मजदूर ही उतरे ट्रेन से। प्रवासी श्रमिकों को लेकर जयपुर से कन्नौज पहुंची ट्रेन से 265 मजदूर गायब। मजदूर कहां चले गए और क्या हुआ इसकी नहीं स्थानीय प्रशासन के पास जानकारी। जो 160 मजदूर कन्नौज रेलवे स्टेशन उतरे, उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद बसेस से भेजा गया था। यूपी के आगरा में कोरोना संक्रमण को खुलेआम दिया जा रहा है न्यौता। जगनेर मार्ग पर मिली सड़क पर खुलेआम PPE किट में मासूम बच्चों का लकड़ी से ले जाते हुए वीडियो वायरल। लॉकडाउन के कारण अजमेर के 8 छात्र तजाकिस्तान में फंसे। परिवार के लोगों से लगाई सरकार ने गुहार। कहा भारतीय दूतावास की ओर से नहीं की जा रही कोई भी सहायता।
अजमेर के नसीराबाद में पशुपालक के बाड़े में लगी आग, एक दर्जन से अधिक मवेशी जिंदा जले। दमकल की मदद से बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगजनी की घटना के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। बूंदी के केशवरायपाटन में केनरा बैंक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आगजनी में बैंक के दस्तावेज और उपकरण जलकर खाक। केस रूम को नुकसान नहीं पहुंचने से बैंक प्रबंधन ने ली राहत की सांस। राजधानी जयपुर के विराटनगर में गहराता जा रहा है पेयजल संकट। पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग, तो वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जालौर के भीनमाल स्थित वार्ड 4 में पीने के पानी के लिए हाहाकार। वार्डवासी 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर। कई बार शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं ले रहे थे। सवाईमाधोपुर के बौली में पेयजल समस्या को लेकर भाजपा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। तहसीलदार कमल पचौरी को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बीसलपुर पेयजल योजना का लाभ नहीं देने पर प्रशासन का आरोप। कोरोना के कारण गरीब और असहाय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने मनरेगा किया शुरू। दूदू उपखंड में चल रहे मनरेगा कार्यों का उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया औचक निरीक्षण। बिजली का बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में खोला मोर्चा। सरकार से आम जनता के लिए राहत की मांग। चाकसू में बीजेपी नेता राम अवतार बैरवा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरकार से की बिल माफ करने की मांग। धौलपुर के सहबो में पूर्व पीएम नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प की अर्पित। भरतपुर के बयाना में पेयजल को लेकर बवाल। भीमनगर एरिया में 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज महिलाओं ने किया जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन। अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। समस्या का समाधान नहीं करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोटा की भामाशाह मंडी में किसान परेशान। मंडी गेट करना पड़ रहा है किसानों को। एंट्री के लिए घंटों इंतजार। मंडी प्रशासन सहयोग नहीं करने का आरोप। पेयजल तक नहीं, किसानों के लिए इंतजाम। चित्तौड़गढ़ में एसीबी का घुसखोर अधिकारियों पर शिकंजा। 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दुकानदारों से रिश्वत लेते दबोचा। दुकान पर खाद्य सामग्री बेचने का आरोप लगाकर केस नहीं बनाने और सैंपल नहीं लेने के एवज में 10,000 रुपए की ली रिश्वत। राजधानी के बगरू में शव मिलने से फैली सनसनी। कस्बे के बालाजी पार्क में मिला युवक का शव। सुरेश शर्मा के रूप में हुई शिनाख्त। मौत के कारणों का फिलहाल नहीं हो पाया है खुलासा। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विष्णुए की आत्महत्या मामले में आरएलपी भी उग्र। अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मामले की सीबीआई जांच की मांग। कोटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से की गई 3 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग। इस दौरान मंदिर में किया गया सद्बुद्धि यज्ञ। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने दी यज्ञ में आहुतियां। नागौर के मकराना में विप्र फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। इस दौरान पत्रकार, डॉक्टर और समाजसेवी और सरकारी कर्मचारियों को प्रमाण देकर की गई हौसला अफजाई। लॉकडाउन के कारण श्रीगंगानगर के विजयनगर में बैंक के बाहर लगी कतारें। 3 दिन से बैंक बंद होने से लोगों की उमड़ी भीड़। सरकारी एडवाइजरी की उड़ी धज्जियां। लोगों की भीड़ देख नोटबंदी की यादें हुई ताजा। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित वोपारी गांव के युवाओं की अनूठी पहल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कराया पनघट का निर्माण। महिलाओं ने पनघट पर की पूजा अर्चना। गांव के युवाओं का जताया आभार। उदयपुर के सलुम्बर में प्रशासन और व्यापारियों ने लिया निर्णय। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी दुकानें। अनावश्यक घूमने पर रहेगी पाबंदी। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। झुंझुनू के चुड़ावा में ई मित्र आधार नामांकन सेवाओं का नहीं हुआ विस्तार। आदेशों के बाद शहर में खोला गया एकमात्र आधार सेंटर, जबकि सभी आधार नामांकन सेंटर खोलने का है आदेश। सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। सीकर के दादारामगढ़ निवासी बीएसएफ जवान महेंद्र सिंह का असामायिक निधन। जवान महेंद्र सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृगांव। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान जवानों ने दी गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई।